सभी दोस्तों को जी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से आप सभी पशुपालक भाइयों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, जो आज की वीडियो हरे चारे को लेकर। तो आप हमें देख रहे हैं मेरे खेत से, तो मैं अक्सर आपके साथ डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारियां शेयर करता रहता हूँ। और आज की जो वीडियो है वो जी चारे को लेकर, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाइयों का यह सवाल रहता है ज्वारों के टाइम पे, खास करके हम मल्टी कट में ऐसा कौन सा सीड लगाए जो हमें लंबे टाइम तक कट दे, क्योंकि ज्यादातर ज्वारे एक ही कट की आती हैं और अनेकों कंपनियां मार्केट में ऐसे जो मल्टी कट कह के बेचती है, लेकिन कहीं फार्मर के पास हाइट कम रहती है, कहीं पे कट नहीं देती है, अनेकों प्रकार की समस्या है। तो आज एक ऐसा जेन्युइन सीड मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो मैं फिलहाल अपने खेत में उसको भेजूंगा, वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी ऐसी अपडेट पाने के लिए आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा अभी मल्टी कट का एक और ज्वार का सीड। तो ये देख रहे हैं जी आप मेरे हाथ में सीड्स, और ये सीड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसी कंपनी का ये सीड्स नहीं। अगर इस सीड्स की बात करूं तो मैंने डायरेक्टली इसको प्लांट से मंगवाया है, क्योंकि ज्वारों का प्लांट हैदराबाद में भी है, तेलंगाना में भी है, अपने गुजरात में भी है, तो वहां से मैंने इस सीड्स को मंगाया, क्योंकि सभी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ही है, लेकिन बाहर आके वो अलग अलग कंपनियों के नाम से बिकते हैं। लेकिन मैंने वहां पर इसकी जो कटिंग देखी, उसके बाद से मैंने डायरेक्टली इसको मंगवाया है, और अब मैं इसको बीजूंगा और इसके सारे कट मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कई पिछले साल भी इसको बीजा था, लेकिन मैं इसकी वीडियो शेयर नहीं कर पा था किसी कारण से। लेकिन अब की बार मैं इसके सारे कट आपके साथ शेयर करूंगा, जो है बिजाई से लेकर और लास्ट कट तक, क्योंकि अब इसकी बिजाई चली हुई है, तीसरे मंथ के लास्ट में और चौथे मंथ पूरे मंथ इसकी बिजाई चलती है। अगर हम इसको छठे मंथ में बीजेंगे तो हो सकता है कद हमें ये कट दे। पिछले साल मेरे पास इसकी हाइट रही थी तकरीबन 13 फिट प्लस गई थी, और तना इसका बहुत अच्छा था, जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा थी इसके अंदर, और शुगर ज़्यादा थी, और कैल्शियम की मात्रा भी इसके अंदर अच्छी खासी थी, और पशु बड़े चाव से खाते इसको लास्ट तक, और लास्ट तक जो है इसकी जो है बराबर हाइट रहती है, 13 फीट की हाइट इसके लास्ट तक जाती है। तो जिन भाइयों के साथ मैंने अब की बार इस सीड्स की जानकारी शेयर की, तो उन्होंने मेरे से मांगा, भाई हम इसको कैसे लगाए, इसकी कोई वीडियोग्राफी हमें दे। तो मैं इसके सारे जो है डिटेल आपके साथ नेक्स्ट पार्टों में शेयर करता रहूँगा। तो आज मैं इसको फिलहाल बीज रहा हूँ, और बीजने के साथ साथ जब इसका जर्मिनेशन होगा वो दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको इसकी बिजाई दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक एकड़ के अंदर इसका भी 22 से 25 किलो बीज बीजने की औसत होती है, क्योंकि सारा तो बीज जर्मिनेशन नहीं होता है, इसलिए मैं आपको 22 से 25 किलो की एवरेज इसकी बता रहा हूँ। और दूसरा, ये मैंने एक बीघा में 5 किलो सीड्स डाला है, और मेरी कोशिश रहती है भाई बिना किसी पेस्टिसाइड के जैसे हम बीज तैयार करें, क्योंकि फ़िलहाल हमने पहले एक सीड्स तैयार किया हुआ ऑर्गेनिक सीड्स, बिल्कुल वो देसी ज्वार का है, सिंगल कट वाली ज्वार है, और बिना किसी छिड़काव के पेस्टिसाइड के 13 फिट प्लस जिसकी हाइट जाती है वो सिंगल कट का, लेकिन ये मल्टी कट का मैं बीज रहा हूँ। तो इनमें से कोई भी सीड आप किसी भी पशुपालक भाई को चाहिए तो हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप वॉइस कॉल कर सकते हैं, आपके घर पर सीड्स भेज दिया जाएगा। और फिलहाल ज्वारों की बुआई का समय चला हुआ है, क्योंकि लंबे समय तक पशुओं को हरा चारा अगर आप खिलाना चाहते हैं तो ये मल्टी कट में जो हमने डायरेक्टली प्लांट से ये जो है ज्वार मंगवाई है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये आपके लिए है। तो इसको आप अपने पशुओं के लिए लंबे समय तक हरे चारे के रूप में जो है बीज सकते हैं, और अपने पशुओं को जो है ज्वार तैयार करके मल्टी कट बार बार तैयार होने वाले कट, और इसके सारे पार्ट भी मैं आपको आगे जो है टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा, ताकि भाई आपको पता लग सके भाई हमने किस प्रकार का सीड्स ज्वार का सीड्स अपने पशुओं के लिए अपने खेत में डाला है। और अब ये जो है कल्टिवेटर से इसकी जुताई मैं करवा रहा हूँ, और बाद में इस पर जो है लकड़ी का, जिसको हम आम भाषा में सुहागा कहते हैं, वो फेरा जाएगा ताकि नमी कम ना हो और बीज अच्छे तरीके से जर्मिनेशन इसका हो जाए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप हमारा चैनल स्क्रीन पर मेंशन हमने किया हुआ है। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई वीडियो से जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे भी इसका कट आपको मल्टी कट ज्वार के नाम से मिलेंगे, और ये हमारे चैनल द्वारा कई फार्मर भाइयों जो हमारे साथ पहले जिनको पता था उनके पास भेजी भी गई है, उनकी भी वीडियो मैं आपके साथ अगर पॉसिबल हुई तो वो भी ज़रूर शेयर करूँगा।